आरजेडी से टिकट कटने पर पूर्व सांसद और मरहूम तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज आलम ने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सरफराज आलम भावुक हो उठे और खुले मंच पर फूट फूट कर रोने लगे। अररिया लोकसभा सीट से आरजेडी का टिकट सरफराज आलम के बदले उनके छोटे भाई शहनवाज आलम को दिए जाने के बाद उन्होंने लालू तेजस्वी पर अपनी भड़ास निकाली। खुद को ही तस्लीमुद्दीन का उत्तराधिकारी बताते हुए आरजेडी की ओर से दरकिनार करने की बात करते हुए रो उठे। बाप को बाप मरने के बाद आपने सरकार के संबंध में परिवार मैंने चुपता चप्पल क्या ये बेटा इंसान मरो में प्राण मर सीमांचल के बका के लिए हाफ पैंट पहन कर क्रांति मोर्चा बना करके तस्लीमुद्दीन का राइट हैंड मैन कहा था। बता दें कि आरजेडी की तरफ से पूर्व केंद्रीय गिरिराज मंत्री स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन के सबसे छोटे बेटे शहनवाज आलम को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि राजनीति के मैदान में छोटे भाई से बड़े भाई मात खा गए। बता दें कि पूर्व एमपी सरफराज आलम 2020 के विधानसभा चुनाव में जोकीहाट से अपने छोटे भाई से चुनाव हार चुके हैं और अब टिकट लेने में भी मात खा गए। अररिया से राकेश कुमार की रिपोर्ट।